13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। नौयान को हरगिज शक ना हो कि तुम मेरे ताबे हो, वरना तुम्हारे आंसुओं की परवाह किए बगैर वो तुम्हारी खूबसूरत आंखें नोच डालेगा। मैं हिजरत कर जाऊं यहां से, वो वक्त आ गया है जिन्हें मुझ पर यकीन है, जो दिलों में ईमान रखते हुए इस सफर में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं वो बखुशी मेरे साथ आ सकते हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शुक्रिया बेटा। कैसे मैं एक ऐसी खातून के साथ रह सकता हूं जो मुझसे सच छुपाती हो सलजान खातून? अल्लाह के कामों में दखल देने वाले आप कौन होते हैं दूतकिन साहब? आला, दोबारा तुम्हारे सामने आ गया हूं अर्तुरुल। तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को मिटाने के लिए, कलेजा चबाने के लिए तुम्हारा इस जहन्नुम में खुशामदी। तुम जिल्लत की मौत बनने आए हो नौयान। भाई मेरी मदद करें। उलुबिल जी, यलगार अर्तुरुल भाई इतनी जल्दी कहां जा सकते हैं? मेरे भाई कहां चले गए? भाइयों, भाइयों, देखो वहां पर कोई पड़ा हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। गोल इस सिपाही को मंगोलों ने मारा है।
घोड़ों के निशान। अर्तुरुल भाई जरूर यहां से गुजरे हैं। वो इस तरफ गए होंगे। चलो जल्दी करो। वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी नस्ल को मिटा कर रहूंगा अर्तुरुल। हार मान लो बकरियां चराने वाले। अपने हर कदम पर, अपनी हर सांस पे तुम मुझे मौजूद पाओगे अर्तुरुल। खानम और गुंदोगदू अर्जरुम रवाना हो गए हैं। गुंदोगदू का बाजू अब कैसा है बुआज? कुछ मालूम है तुम्हें? बुरी हालत है उनके बाजू की। बेहतरी ना आई तो हो सकता है उसको काटना पड़े। और अर्तुरुल, उसकी क्या खबर है? वो जिरगे में तमाम सरदारान को बाजंतीन की जानिब हिजरत करने पे
कायल करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई कायल हुआ? कोई भी नहीं। तमाम सरदारान अहलत जाने पर मुसिर हैं, लेकिन अर्तुरुल का कहना है कि अगर कोई ना गया तो वो अकेला जाएगा। फिर अर्तुरुल इस फैसले के बाद जिरगे में तन्हा रह गया है, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अर्तुरुल अहमक नहीं है और यकीनन वो तन्हा भी नहीं है। अगर उसकी पुश्त पे कोई कुव्वत मौजूद ना होती तो वो कभी ये रास्ता ना चुनता। कैसी कुव्वत? मालूम नहीं, लेकिन जल्द ही राज खुल जाएगा। बाज़ंतीन की सरहद आपके लिए इतनी अहम क्यों है अमीर सादतीन? ना ही बाज़ंतीन और ना ही सलजूक सल्तनत के जेर असर आता है वो इलाका। वहां की जरखेज सरजमीन मैं अपने नाम करना चाहता हूं गुंजा कुल खातून। समझ नहीं आता कैसे दूंगा हलीमा को यह खबर। और वालिदा, वो दुंदार के अलावा कोई बात ही नहीं करती। गुंदोगदू भाई की सेहत के लिए पहले ही वालिदा बहुत परेशान है, दूसरे बेटे की जुदाई को कैसे कबूल करेंगी? भाई थोड़ा तहमुल से काम ले, यकीन है मुझे इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे आप। हमने कितनी मुश्किलात देखी हैं भाई, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। नोयान, दुंदार और यगित की वापसी के मुतालिक जानता था, मौका मिलने के बावजूद उसने मारा नहीं उन्हें। उसके इरादे यकीनन कुछ और हैं। सिपाहियों, गुंदोगदू साहब ने खराब ये सेहत के बायस अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने का फैसला किया है और जिरगे ने मुझे ये अहम जिम्मेदारी सौंपी। वक्त आ गया है कि हम अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आए। आज के बाद हम तरबियत के नए मायार तय करेंगे। हम सलजूक फौज की तर्ज पर मुख्तलिफ शोबाजात में खुद को तकसीम करेंगे। हर शोबे की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होंगी। हर सिपाही को उसकी महारत की बुनियाद पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आने वाले खतरात से निमटने के लिए हम एक मुनज्जम फौज की तरह तैयारी करेंगे। जाइए और जाकर तैयारी करें। चलो।
तूतकिन सरदार। सुंगर तकिन भाई, आपकी नई जिम्मेदारी कबीले के लिए मुबारक साबित हो। बहुत शुक्रिया तूतकिन सरदार। उम्मीद है हमारे जंगजुओं को आपकी महारत से फायदा हासिल होगा, लेकिन आपकी बातों से लगता है हम हालत जंग में हैं। बज़ाहिर तो हमारे कबाइल में अमन आ चुका है, लेकिन अमन का यही वक्त जंग का करीब तरीन वक्त होता है तूतकिन सरदार। मौजूदा हालात के पेश नजर सिपाहियों को हर दम तैयार रहना होगा। अंदर आ जा तुराली। जंजू तुराली आ जा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो मैं ठीक हूँ सलजान खातून, शुक्र है अल्लाह का। कुंदोगदू भाई के जाने से आप बिल्कुल भी खौफजदा मत होइएगा। कबीले की औरतों की हिफाजत का वादा किया है मैंने। वाह माशाल्लाह। तो इस बात पर सिपाही तुराली को सलजान खातून की तरफ से एक अशरफी मिलेगी। ये तुम्हारे लिए। तो अब तो डरने की जरूरत नहीं है ना मुझे? सिपाही अर्तुरुल की हर हाल में इताअत करेंगे। अगर जैसा कि आपने कहा कि उसने रवानगी का इरादा कर लिया है, तो उसे तनहा नहीं छोड़ेंगे उसके सिपाही। लेकिन आपकी इजाजत के बगैर ना ही कबीला और ना ही अर्तुरुल कोई कदम उठा सकते हैं मीर सादुद्दीन। तुम रियासती मामलात से बखूबी वाकिफ हो गुंजा गुल खातून, अक्लमंद भी हो, बहुत आला। दुरुस्त, जो भी हिजरत का ख्वाहिशमंद होगा उसे चलकर मेरे दरवाजे तक लाजमी आना होगा। फिर भी मैं मोहतात तर्ज अमल अपनाना चाहता हूं। काई कबीले को, दुदुर्गा कबीले को मेरी इताअत कबूल करना पड़ेगी, या फिर वो भी तुर्क बागियों की तरह अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अगरचे ये तरीका मुनासिब नहीं है, उन हिजरत करने वाले अकल से पैदल तुर्कों के खिलाफ मेरा सफारा होना बदकिस्मती से सुल्तान अलाउद्दीन को पसंद नहीं। क्या करेंगे आप? उन दोनों कबाइल को मैं अंदर से फतह करूंगा। यह वाहिद तरीका है अर्तुरुल का रास्ता रोकने के लिए। अमीर सादुद्दीन, जो कुछ हो चुका है क्या उसके बाद यह मुमकिन होगा? अर्तुरुल दोनों कबाइल का शेर है, और अब वक्त आ गया है कि वो शिकस्त का जायका चखे, और मुझे इसके लिए उसके खूनी रिश्तों में दरार डालनी पड़ेगी। गोंजागुल खातून, जब मैं अर्तुरुल और उसके भाइयों के दरमियान निफाक का बीज बो दूंगा तो कैसा रहेगा? अर्तुरुल भाई की कल जरके में की गई गुफ्तगू पे मुझे तशवीश है सुंगर तकिन भाई। जब कबीले में अमन आ चुका है, ऐसे में नए इलाकों का रुख करना खतरनाक होगा।
अपने अजदाद के निशान के सामने बैठकर मेरा कबीला दो दुर्गा जो मेरी जुबान से निकले एक लफ्ज का मुंतजर है उसे नतायज से बेपरवाह होकर ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने कैसे दे सकता हूँ। अर्तुरुल भाई का बाजंतीन सरहद की जानिब हिजरत पर इसरार मेरी समझ से बालातर है। अर्तुरुल ने आज तक जो भी फैसला किया है वो हमेशा कबाइल के हक में साबित हुआ है। ये ठीक है, वो हक पे थे मगर इस बार वो गलत लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी उनकी हिमायत नहीं करेंगे सुंगुर तिकिन भाई। अभी इस मामले पर कुछ कहना काबिल इस वक्त होगा। वालिदा और गुंदोगदू भाई के वापस आने के बाद इस पर मुशावरत करके कोई फैसला लेना होगा। ठीक कहते हैं, लेकिन आप अर्तुरुल भाई को बेहतर जानते हैं सुंगुर तिकिन भाई, गर्म खून है। ज्यादातर कई जंगजू अर्तुरुल भाई के एक इशारे पर बिला झिझक लबैक कहेंगे। गुंदोगदू भाई भी जानते हैं, लेकिन जैसा गुंदोगदू भाई ने कहा हमारी मंजिल आलत है, बाकी सब एक नाकाबिल फहम ख्वाब है। इतनी मुश्किलात झेलकर यहां अमन आया है, मैं अब कबाइल की तकसीम नहीं चाहता। ठीक कहा तो तकिन सरदार, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, मगर यह वाहिद मसला नहीं है। असल मसला यह है कि हम जिस तरफ भी हिजरत के लिए रुख करेंगे अमीर सादतीन रुकावटें डालने की कोशिश करेगा। खुश आमदीद हलीमा सुल्तान। शुक्रिया बानो चिचेक, खामखा जहमत की तुमने। जहमत की क्या बात है इसमें, आपने और अर्तुरुल भाई ने जो कुछ मेरे लिए किया, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए? अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपकी हालत देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि आप अपने भाई को कितना याद करती हैं। सही कहा तुमने, बहुत याद करती हूँ। उसकी याद से मेरा दिल भर आता है। अपने भाई की आमद का सुनकर मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकती बानो जिजैक, लेकिन उसके जाने का दर्द अलग और उसकी वापसी एक अलग आजमाइश है। वो तो अब वापस आ रहा है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप हलीमा सुल्तान? बाबा और ये कितने शहजादा होने की वजह से बहुत आजमाइशों का सामना किया है। हम जिंदा रहने के लिए दर बदर फिरे हैं, कितनी ही रातें हमने जागकर गुजारी हैं और कई कई दिन भूखे रहे हैं। और मैं हमेशा बाबा और ये कित की जान की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। अपने भाई से इतना अरसा दूर रहकर मेरा खौफ और बढ़ गया। रियासत के लोग उसे सुकून से नहीं रहने देंगे, हकायक जानती हूं मैं। डर है कि वो मेरे भाई को निशाना बनाएंगे, इसलिए परेशान हूं मैं। रियासत की सूरत हाल सबके सामने है, महल में हर तरफ गद्दार हैं और ये कित एक शहजादा है। यही सोच सोच कर फिक्रमंद रहती हूं मैं। अल्लाह ने चाहा तो उसकी वापसी पर कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं होगी। आप खुद को हलकान मत करें हलीमा सुल्तान, आप बखैर व आफियत अपने भाई से मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बानो चिचेक। दुंदार तुम ठीक हो ना?
मैं यहाँ जब तुम्हारी खाल उतारेगा तो मैं तमाशा देखूंगा तुम्हारा। सुलेमान शाह के बेटे तुम दार बांध दो इन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। दुंदार तुम ठीक हो ना? घबराना नहीं मेरे भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यज्ञ, परेशान मत हो। मेरे शोहर गुंदोगतु को अपनी अमान में रखना, उन्हें शिफा अता फरमा, उन्हें मासूरी से ना आसमाना या रब। बाजी, परेशान ना हो आप, गुंदोगदू भाई शिफायाब होकर कबीले वापस आएंगे, देखिएगा। इंशाल्लाह कुकचे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वो दिन भी दूर नहीं जब तुम्हारी आजमाइश के दिन खत्म हो जाएंगे। गुकचे, मैंने तूतकिन साहब से बात की थी। क्या क्या बात की आपने उनसे? आखिर तूतकिन से बात ही क्यों की आपने? काश आप ऐसा ना करती बाजी। मुझे पता है बाजी, तूतकिन की नाराजगी में और इजाफा हो गया होगा। तुम्हें इस तरह टूटते बिखरते नहीं देख सकती मैं। क्या करती फिर? तुम्हारे दुख से मुंह फेर के तुम्हारी खामोश फरियाद सुनती रहती। बाजी, खुदारा माफ कर दे बाजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाजी, क्या तूतकिन ने आपसे कहा कि वो मुझे माफ कर देंगे? वो मुझे कबूल कर लेंगे ना बाजी? या जहन्नुम की आग में जलने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे मुझे? ऐसा मत कहो मेरी बहन, वो बिलाखिर एक दिन हकीकत जान ही लेगा। बस एक बात याद रखो कि इंसान जिससे ज्यादा प्यार करता है गुस्सा भी उसी पे करता है। मुझे और गुंदोगदो ही को देख लो, हम किन किन हालात से नहीं गुजरे, कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जीत हमारी मोहब्बत की हुई। बिलाखिर अपनी मोहब्बत में यकीन रखो, जीत तुम्हारी ही होगी गोगचे। क्या आपको ऐसा लगता है बाजी, तू तो किन मुझसे अभी भी प्यार करते हैं? यकीनन करते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही अजियत झेल रही हो? क्या पता उसका वजूद भी इस आग में झुलस गया हो, उसकी भी हर सांस मुहाल है। मैंने तूतकिन की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है मेरी बहन। तुम मजबूत रहो, हिम्मत से काम लो, पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है।
हलीमा सुल्तान, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। शुक्रिया बानो जी जैक, तुम पहले ही बहुत थक चुकी हो। अल्लाह अल्लाह, ये लोग ऐसे क्यों आ रहे हैं? अर्तुरुल साहब, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है, कुछ कहते क्यों नहीं? दुआन साहब, अर्तुरुल साहब कुछ बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दुआन भाई, तुरकुत, बमसी, कोई तो मेरी बात का जवाब दो। हलीमा, जरा हौसले से सुनना तुम मेरी बात। नौयान, नौयान दुंदार और जिगित को अपने साथ ले गया। क्या? हमें देर हो गई। देर हो गई? जिगित? हलीमा, 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 आर्तुक भाई को बुलाकर लाओ जल्दी। जी भाई। अमीर हजरत से मुलाकात करना चाहता हूं मैं। अमीर हजरत, ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलना चाहता है। ताजिर अब्दुल्ला, अंदर भेज दो उसे। भूखे हो गालिबन? काफी खुश लग रहे हो, तो गोया दोनों बच्चों को पकड़ लिया तुमने। बिल्कुल पकड़ लिया उन्हें, और अर्तुरुल भी वहां आ गया था। अर्तुरुल भी? वो वहां कैसे आया? मालूम नहीं, लेकिन अर्तुरुल के सामने उसके देखते ही देखते
मैंने उन दोनों को अपने घर पहुंचा दिया। आला, अर्तुरुल अब अपनी अहलिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और दुंदार, दुंदार जिंदा है ना? क्या करोगे दुंदार का? दुंदार मुझे चाहिए नोयान, वो मेरे लिए बहुत अहम है। भाई हलीमा सुल्तान ठीक है, लेकिन जचगी का अमल शुरू हो चुका है। आप दाई को फौरन बुलवा लीजिए। मैं बुला के लाती हूँ। सलजान खातून, आप गर्म पानी तैयार रखें, क्योंकि दाई को आते ही उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इंतजाम कर देती हूँ भाई। कुछ छुपाइएगा मत आर्तुक भाई, जो बात भी है साफ साफ बताइए मुझे, खतरे की कोई बात तो नहीं? भाई खुद को पुरसुकून रखिए, बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा नहीं है। इनकी कैफियत की वजह से विलादत का अमल जल्द शुरू हो गया है। इंशाल्लाह सब काम खैरियत से हो जाएगा। इंशाल्लाह। अब उस नोयान को मेरे भाइयों के साथ उलझने का हिसाब देना होगा। हलीमा सुल्तान की तबीयत कैसी है? वो तकलीफ में है भाई। खैरियत तो है अर्तुरल? हलीमा की परेशानी, विलादत का वक्त करीब ले आई। और इस सब की वजह वो मलून नोयान है ना? अर्तुरल कुछ पूछ रहा हूं, बताओ मुझे। दुंदार और जिगित की वापसी के बारे में जानता था नोयान। आपको क्या लगता है अर्तुरल भाई, उसे कैसे खबर थी? ये नहीं मालूम, लेकिन जाहिर है कि यहां से ही खबर दी है किसी ने। चाहे कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ लूंगा और कसम खाता हूं जान ले लूंगा उसकी। भाई सुंगुरतकिन भाई, खुद पर काबू रखें, जज्बात में आकर ना सोचें, हमें तहम्मुल से बैठकर इस पर सोचना होगा। मेरा छोटा भाई उसके कब्जे में है, तहम्मुल से कैसे बैठ सकता हूं मैं? हमें फौरन कोई कदम उठाना होगा। नोयान को जानता हूं, दुंदार को मार देगा वो। अगर यही करना होता उसने तो वहीं उसी वक्त मार देता। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो अर्तुरल? जब मौका था तो उसने उन्हें क्यों नहीं मारा भाई? यकीनन कोई और मंसूबा है उसका। दुआ है कि तुम सही साबित हो अर्तुरल। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहां किस मकसद के लिए आया हूं सादतिन? तुम मुझसे दुंदार को कैसे मांग सकते हो? तुम्हारे लिए शहजादा ले आया हूं मैं, दुंदार मेरा है, ये उसकी आखिरी रात है, कल कबीले उसकी लाश जाएगी। दुंदार को अगर मार दिया तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे जिंदा रखते हैं तो उसके जरिए हम कई लाशें गिरा सकते हैं। लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी सोच पर, आखिर तुम चाहते क्या हो सादतिन? दोनों कबाइल को मेरी हाकमियत तस्लीम करना होगी, और इसी मकसद के लिए दुंदार मुझे चाहिए नोयान। तुम और तुम्हारी हाकमियत जहन्नुम में जाए सादतिन, तुम्हारी इन चालों से तंग आ चुका हूं मैं। इंतकाम लेना चाहते हो तो सब्र करना भी सीखना पड़ेगा नोयान।
मैं अगर ना बताता तो तुम्हें उन बच्चों के आने का पता भी ना चलता, और तुम सोच ही रहे होते अब तक कि उनसे अपना इंतकाम किस तरह लिया जाए। तुम मेरी वजह से उन बच्चों तक पहुंचे और मैं ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। सुलेमान शाह के फर्जंद दुंदार, इसके साथ क्या होगा? या आप पर मुनासिर है शहजादे, या वापस कबीले चला जाएगा या मौत के हवाले कर दिया जाएगा। मंगोलों के एक रास्ते पर शक है मुझे जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। मैं उस रास्ते की निगरानी करना चाहता हूं। और अब से मैं आपको कभी शहजादा नहीं, आपके हक के मुताबिक सुल्तान कहूंगी, हमारे सुल्तान।